अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। की नगर परिषद वासियों को अमृत महोत्सव के 75वां स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विजेंद्र कुमार चौधरी, सभापति प्रत्याशी, बिहार का सहरसा जिला। बता दें, सहरसा जिले के नौटा प्रखंड अंतर्गत पंचायत हाटी प्राथमिक विद्यालय देवका जो नदी में समाने को आतुर है। बता दें कि पिछले दिनों हमने खबर चलाया था और बताया था कि देवका का यह स्कूल महज 150 मीटर के लगभग दूर है नदी कटान से। अगर समय रहते इन्हें नहीं बचाया गया तो यह नदी में विलीन हो जाएगा। अब आपको एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि प्रशासन की अनदेखी के कारण अब महज 25 फुट जी हाँ 20 से 25 फुट की दूरी बच गई है। अगर इसे समय रहते नहीं बचाया गया तो यह स्कूल कोसी नदी में विलीन हो जाएगा। क्या कहते हैं ग्रामीण, देखिए। नदी से अभी स्कूल का दूरी कितना बचा हुआ है? 30 से 40 मीटर। जी ये बताइए, जिस हिसाब से अभी कटाव जारी है तो कितना दिन में स्कूल जो है नदी में विलीन हो सकती है? 1 से 2 दिन में विलीन हो सकती है। प्रशासन की ओर से कोई देखने के लिए या कोई काम जो है फ्लड फाइटिंग या करेटिंग का जारी किया गया है? कोई नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया देखने के लिए। और सीओ हो गया ना? कोई नहीं। सीओ साहब भी नहीं आए? कोई नहीं। जी आपका नाम? दिलीप यादव। ये कौन सी जगह है? देव। पंचायत स्कूल का कितना दूरी बच गया है? कम दूरी रह गया है तो वो हमको मालूम पड़ता है जो वही फिर 25-30 अंतिम हो जाएगा। जितना पूर्वा का लगा हुआ जो हो सकता है 2-3 दिन का अंदर भी नहीं जाएगा। प्रशासन की ओर से कोई भी कुछ नहीं मिला अभी तक? प्रशासन का अंदर से कुछ नहीं है, कोई देख रेख कुछ नहीं। सीओ आए? कोई नहीं आया यहाँ। जी आपका नाम? दुखा मुखिया। कौन सा जगह है ये? हाटी पंचायत है, दुखा गाँव है। अभी नदी से स्कूल का कितनी दूरी बचा हुआ है? 30 फीट बचा है। 30 फीट बचा हुआ? हाँ। तो ये बताइए, जो कटाव तो कई दिन से जारी है। हाँ। आज जैसे हवा चल रही है और नदी को धारा देखते हुए आज बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। हाँ, बहुत तेज है आज जी। कभी भी मतलब नदी में विलीन हो सकती है? कभी चले धारा चले तो 10 मिनट में काट सकता है, ये क्या बात है? 10 मिनट में भी विलीन हो सकती है? हो सकता है जी। ये बताइए, प्रशासन की ओर से कोई भी सुरक्षाकर्मी है यहाँ तक? कोई नहीं आया जी। कोई वर्क फ्लड फाइटिंग या करेटिंग का? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। आपका नाम? अरविंद मुखिया। ये कौन सी जगह है? देवका। देवका कौन सा पंचायत? हाटी पंचायत। ये स्कूल की दूरी अभी कितना बचा हुआ है नदी से? 30 मीटर। तो जी बताइए, क्या लग रहा है आपको जो कब तक ये स्कूल नदी में विलीन हो जाएगी? हाँ विलीन। कितना टाइम लगेगा इसको कटने में जिस हिसाब से? अभी ये बताइए, जो प्रशासन की ओर से कोई भी मतलब जो है वर्क क्रिएटिंग या फ्लड फाइटिंग का काम अभी तक जारी किया गया? कोई नहीं, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया। आपका नाम? काम किया जी। ये कौन सा गाँव है? पंचायत हाटी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन तो आता है लेकिन जो बचाव कार्य होना चाहिए वो नहीं होता। कई महीनों से सिर्फ प्रशासन आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, मानो अब कटान में बर्बाद होना ही हमारा नसीब हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन की नींद ही नहीं खुलती। सहरसा जिले के नौहट्टा का देवका का यह स्कूल बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बावजूद इसके प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती और इससे अनदेखी यह स्कूल अब कोसी में समाने को आतुर है। अब देखना होगा कि क्या 20 से 25 फुट बचने के बाद भी सरकार प्रशासन चेतती है और इसे बचा पाती है या नहीं। सहरसा के नौहट्टा से जीतू कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है।
आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।